गणतंत्र दिवस के मौके पर राजपथ पर शक्तिशाली मजबूत और बुलंद भारत का विहंगम दृश्य दिखाई दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को 71वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शहीद जवानों को पुष्प चक्र अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी। इसके बाद राष्ट्रपति ने राजपथ पर तिरंगा फहराया। सेना ने उन्हें 21 तोपों को सलामी दी। राजपथ पर चिनूक और अपाचे हेलीकॉप्टरों की गरज से लोग रोमांचित हो उठे। वहीं कई राज्यों की झांकियों ने लोगों का मन मोह लिया। बाइक पर सेना के जवानों और वीरंगनाओं के डेयर डेविल एक्ट से सभी लोग हैरान रह गए। इस साल गणतंत्र दिवस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर मेसियस बोल्सोनारो हैं। राजपथ पर भारतीय सेना का T-90 भीष्म टैंक को पेश किया गया। इस टैंक को इस वक्त कमांड कर रही है कैप्टन सन्नी चहर। इसके अलावा K-9 वज्र की टैंक की भी नुमाइश की गई। 269 मीडियम रेजिमेंट के कैप्टन अभिनव साहू इस टैंक को कमांड कर रहे हैं।